और मैं हूँ राधिका। सोनम और आनंद एक दूजे के हो गए हैं। मुंबई में दोनों की पंजाबी रीति रिवाजों से शादी हुई। सोनम कपूर के फैंस उन्हें शादी की बधाइयां दे रहे हैं। एक तरफ जहां फैंस उन्हें शुभकामनाएं भेज रहे हैं, वहीं इस खुशी के मौके पर कई ट्रॉलर्स को चैन नहीं आ रहा और उन्होंने सोनम को ट्रॉल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर उन्हें शादी के लिए ट्रॉल किया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स अपने अपने तरीके से सोनम आनंद की शादी को आड़े हाथ ले रहे हैं। शिकायत ये है कि श्रीदेवी को गुजरे हुए अभी 10 हफ्ते ही हुए हैं, ऐसे में उनके इमोशंस कहाँ गए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्या सोनम कपूर प्रेग्नेंट हैं? फिर क्या वजह है कि उन्हें शादी की इतनी जल्दी थी? क्या वो कुछ महीने इंतजार नहीं कर सकती थी? श्रीदेवी आपके परिवार का हिस्सा थी। हम फैंस श्रीदेवी के निधन पर रो रहे हैं और उनके खुद के फैमिली मेंबर्स। एक और यूजर ने सोनम को लालची बताया और कहा कि आनंद आहूजा पैसे वाले हैं, इसलिए उन्होंने उनसे शादी कर ली। एक सोशल मीडिया यूजर ने एंटी नेशनल बताते हुए लिखा, सोनम कपूर आज तुम एंटी नेशनल्स की लाइन में खड़ी हो गई हो, नहीं पता कि तुम्हें हिंदुस्तान को शर्मिंदा करने में क्या मिलता है। तुम पर लानत है सोनम कपूर, शादी का बहिष्कार करता हूँ। दरअसल 24 फरवरी को श्रीदेवी का निधन हुआ था। निधन के 10 हफ्ते के बाद ही कपूर फैमिली शादी का जश्न मना रही है। दूसरी तरफ कठुआ गैंगरेप पर सोनम कपूर का बयान सामने आया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, फेक नेशनल्स और फेक हिंदुओं को शर्म आनी चाहिए, यकीन नहीं होता ये हमारे देश में हो रहा है। इन्हीं दोनों बातों को लेकर सोनम को उनकी शादी वाले दिन भी ट्रॉलर्स ट्रॉल कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।